जमात इस्लामी हिंद के महिला विंग वालों 19 फरवरी तो 28 फरवरी तक मजबूत परिवार मजबूत समाज मुहिम की शुरुआत की गई, जिसका मकसद अलोप होंदिया जा रही खानदानी कदर कीमतों को मजबूत करना है। इस मुहिम अधीन लोगों को जागरूक किया जाएगा। महिला विंग जमात इस्लामी हिंद एक मुहिम चला रही है 19 फरवरी तो 28 फरवरी तक 2021 तक। की मकसद है इस मुहिम का? इहदा मकसद यह है कि जिहड़े साडे इंसानियत दीआं खानदानां विच जिहड़े इंसान उहनां दीआं कदरां कीमतां ने उह अलोप हुंदीआं जा रहीआं ने। इंसान है जिहड़ा उह अपनीआं ख्वाहिशां दे तहत अते जिहड़ीआं उहदीआं होर चीज़ां ने उहनां दे तहत अपनीआं जिम्मेदारियां नूं भुल्लदा जा रिहा है। इह जिहड़ी उहनूं साने जागरूक करना है, तो हाँ जी अवेयरनैस साने करना है, ये जागरूकता फैलानी है, इस करके असी मुहिम यह चलाई है। ये जो प्रोग्राम ने सारे महिला विंग ही इनू ऑर्गेनाइज कर रही है। की प्रोग्राम होंगे? ये काफ़ी प्रोग्राम ने छोटे व्डे, जिमें कि असी लोगों मिलेंगे घर घर जाके, लेडीज़ नू भी ते कुड़ियां नू भी। असी स्कूलों के कॉलेजों के नुक्कड़ मीटिंग हो गई और कई होर प्रोग्राम हो गए, टी पार्टीज़ हो गई, गैट टूगैदर हो गए वगैरह। इस तरह के असी काफ़ी प्रोग्राम करांगे ताकि यह असी खानदाना के उपर जिहड़े परिवारिक होने साडे इहदा मुहिम दा अनुवाद है मजबूत खानदान मजबूत समाज, इहनू लैके असी अगे वधीए। जे देखा जावे जिहड़ा खानदान है परिवार है वह इंसानी समाज का एक अदारा है दफ्तर है। देखिए उहदियां जिहड़ियां कदरां कीमतां ने वह हुण गुम्मी ही हो गई। अज पति पत्नी दे विच आपसी प्यार मुहब्बत नहीं रही, इज्जत नहीं रही, बड़िया का सतिकार नहीं रहा, घर परिवार टुटते जा रहे हैं, ये दराड़ा पैंदियां चलिया आ रही हैं। ये हुण दराड़ा ने जिहड़े अजकल का माहौल है बहुत ज़्यादा यह बढ़ गई ने, इनू रोकण लई समाज नू सुधारण लई असीं यह मुहिम चलाई है। मेरा नाम नजमा संधू है। हाँ जी, जो प्रोग्राम है की तैयारियां तुहाडियां? इस तैयारियां यह है जी, पहला साने यह है प्रोग्राम का नाम है मजबूत खानदान मजबूत समाज। साढ़े खानदान के जो बुराइया पैदा हो गई ने उन्हें सानू पता कदों लग्या? COVID-19 के दौरान 2020 के सू मार्च तो लैके सितंबर तक अपने घर रहना पिया, यह स्टे होम स्टे सेफ। उस दे तहत सानू पता लगे साडे परिवारों के खानदानों में कितने दरारा ने, साडे बच्चे लापरवाह हो रहे हैं और साडे बजुर्गों के भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पैक्ट नहीं हैगी साडे परिवारों के। इन्हों ये भी देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान 13,000 केसिस दर्ज किए गए हैं जिन्हों के औरतों में तशद्दुद किया गया, और जिहड़े साढ़े जिहड़े केस दर्ज किए गए हैं पिछले दस साल भी इन्ने केस नहीं आए। जिहड़े ये नोट किए गए हैं केस, वो कुल 7% ने, बाकी ऐसे केसिस ने जिहड़े आपां दर्ज नहीं करवाते। अमूमन आपां समझदे हां परिवार दीआं रिस्पोंसिबिलिटी देखते हुए भी आपां कई गल्लां इस नूं दबा लैने करवा घरां दे विच, सिर्फ 7% केस दर्ज होने जिहड़े 13,000 जिन्हां दी गिनती है। उन्हां चीज़ों नूं देख के सानूं अहसास होया इस चीज़ का भी जमात इस्लामी हिंद जब भी समाज में कोई बुराई फैलती है तो उस सुधारण की खातर कोई ना कोई मुहिम शुरू करती है। ये साड़ी जिम्मेवारी बनती है जमात इस्लामी हिंद के तौर पर। असी शोभा खवातीन तो ये जिम्मेवारी असी अपने सिर पर उठाई हुई हैं, स्टेयरिंग समझ भी औरतों के हाथ में है। असी डोर टू डोर जावे, जेडे साडे हक ने असी उन्होंने तो रोना रोंद रहने पर असी अपने फर्ज अदा नहीं करते। जो असं अपने फर्ज अदा नहीं करते उन्होंने नाल की प्रॉब्लम आ रही है? साडे बुजुर्गों की रिस्पैक्ट घट रही है, साडे बच्चे असी प्रे विच छड़ रहे हैं, उन्होंने टेक केयर नहीं हो रही, मादा प्रस्ती के तौर के उपर जो शौहर ते बीबी इकट्ठे मिल के बच्चों की परवरिश करनगे इतफाक दे नाल करनगे तां अलहमदुलिल्लाह साडे बच्चे एक अच्छी नस्ल पैदा होगी। जो साडे बच्चे अच्छे होणगे, उन्हां दी तरबियत अच्छी होगी, तो वह समाज नूं अच्छी सेध देणगे। इस करके मुहिम चलाई जा रही है तां कि असी अपने मादा प्रस्ती तों हट के असी अपने परिवारां नूं अवेयर करिए, अपने खानदान। सब तो पहले असं अपने परिवारों से अपने घर से अपने खानदान के उपर अपने इस्लामिक मुआशरे के उपर यह काम करना, उस तो बाद हम वतनी भैन भरा उत्तर पूरे इंटरनेशनल पद्धर के उपर यह मुहिम चल रही है, पूरे मुल्क के मुहिम चल रही है। यह 18 तो शुरू होकर 28 तक इंशाल्लाह तक जारी रहेगी। अब्दुल शकूर अमीर जमात इस्लामी पंजाब। हाँ जी सर, की प्रोग्राम सीगा अज्ज, थोड़ा डिटेल दिओ। अज्ज जमात इस्लामी वल्लों पूरे मुल्क दे विच एक देश व्यापी मुहिम का आरंभ किया गया है, मजबूत परिवार मजबूत समाज। इस विषय के अधीन पूरे 10 दिन मुहिम घर घर तक चलाई जाएगी। जमात इस्लामी समझती है
कि जिहड़ी व्यक्तियों की परवरिश हुंदी है, जिहड़ी मुख्तलिफ किस्म दियां सलाहीतां परवान चढ़दियां ने वह घरां दे विच ही चढ़दियां ने, तां घरां दियां कदरां कीमतां दे विच आ रही दरारां, आ रहा निगार, कदरां कीमतां दा खात्मा, जिस दे नतीजे वजों क्राइम है, मैट्रामोनियल केसिज ने, दूसरे जुर्म ने और डिप्रैशन है, होर बहुत सारिया चीज़ा ने, वो असल दे विच अगर असी देखिए बहुत डूंघाई नाल तां वो साडी घरां दी जिहड़ी टुट भज है, कदरां कीमतां दा निगार है, इहदे नतीजे वजों हुंदी है। जमात ये महसूस करती है कि घर आराम की जगह है, घर घर बनना चाहिए जिथे जिथे इंसाना की उसारी की जाती है, निगर उसारी की जाती है, वह उसारी उस तरह कदर कीमतों के नाल हो। महज इट्टा पत्थर के मकान ना बन के रह जान, सगों सही मायने घर बन जिथे अच्छे इंसान की तैयारी हो।